समंदर के बैटलफील्ड में हिंदुस्तान ने ऐसे डबल धमाका किया है जिसे देख पाकिस्तान और चीन के पैरों तले जमीन खिसक गई है। ब्रिटेन की एक डिफेंस न्यूज एजेंसी ने सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए दावा किया है कि इंडियन नेवी ने S-4 सबमरीन को लॉन्च कर दिया है। अरिहंत क्लास की सबमरीन का नौसेना के जंगी बेड़े में कमीशन कर दिया गया है, मगर इसके साथ साथ दावा यह भी है कि अरिहंत क्लास की इस पनडुब्बी K-4 एटमी मिसाइल से भी लैस रहेगी। आखिर कैसे बिना शोर दुश्मन का काम तमाम करेगी न्यूक्लियर गोताखोर, ये रिपोर्ट देखें। क्या हिंदुस्तान ने अपने सबसे विध्वंसक लड़ाके को ब्लू वॉर जोन में लॉन्च कर दिया? क्या एटमी हथियार से लैस वो जंगबाज नीले समंदर में एंट्री ले चुका है? आखिर वो साइलेंट शिकारी कौन है? क्यों उसकी दस्तक भर से दुश्मन कांप रहे हैं? दरअसल ब्रिटेन की जेम्स डिफेंस वीकली ने एक सैटेलाइट तस्वीर जारी की जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि भारत ने अपनी अरिहंत क्लास की तीसरी परमाणु पनडुब्बी को समंदर में लॉन्च कर दिया। इंडियन नेवी ने S-4 नाम की एटमी सबमरीन को बीते 23 नवंबर को विशाखापट्टनम के खुफिया बिल्डिंग सेंटर से लॉन्च किया। डिफेंस से जुड़ी ब्रिटेन की इस न्यूज एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी दावा किया है कि भारत ने बिना किसी को भनक लगे इस न्यूक्लियर पनडुब्बी को कमीशन किया, इसे नौसेना के बेड़े में शामिल किया। आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी, इस पर ब्रिटेन की एजेंसी ने कोई खुलासा नहीं किया, मगर सैटेलाइट कैमरे की तस्वीर और खबर सुनने के बाद से ही चीन और पाकिस्तान में टेंशन। अरब सागर से हिंद महासागर तक सनसनी फैली हुई है, क्योंकि भारतीय नौसेना की जिस S-4 सबमरीन की लॉन्चिंग की बात हो रही है वो समंदर का सबसे डेडली शिकारी है। घात लगाकर एटमी प्रहार करना उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जानकारी के मुताबिक S-4 एटमी सबमरीन 7000 टन वजनी है। ये अरिहंत क्लास की तीसरी पनडुब्बी है। इससे 8K4 एटमी मिसाइल दागी जा सकती है। ये 24K15 मिसाइल भी लॉन्च कर सकती है। अरिहंत क्लास की S-4 परमाणु पनडुब्बी से पहले INS अरिघात और INS अरिहंत को लॉन्च किया जा चुका है, मगर S-4 न्यूक्लियर सबमरीन इन दोनों से ज्यादा विशाल और ताकतवर है, क्योंकि ये जिन हथियारों से लैस है उनकी रेंज और रफ्तार का कोई सानी नहीं। इस कड़ी में सबसे विध्वंसक हथियार है K-4 न्यूक्लियर मिसाइल। आखिर कैसे, वो भी आपको बताते हैं। K-4 एटमी मिसाइल की मारक क्षमता 3500 किलोमीटर तक है। K-4 न्यूक्लियर मिसाइल को कोई रडार नहीं पकड़ सकता। ये मिसाइल एंटी बैलिस्टिक मिसाइल को चकमा दे सकती है। टारगेट सेट करने के बाद सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। K-4 न्यूक्लियर मिसाइल को DRDO ने विकसित किया है। K-4 मिसाइल की इसी ताकत ने पाकिस्तान और चीन समेत भारत के सभी दुश्मनों को दंग कर दिया है। खलबली इसलिए भी मची है क्योंकि भारत अब तक 3-3 अरिहंत क्लास की सबमरीन को समंदर में उतार चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।